रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों दुख तकलीफों को खत्म कर दे, अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। आज जो मैं आपके साथ वजीफा लेकर आई हूँ, बहुत ही नायाब और बहुत ही बुलंद बाला और बहुत ही आला वजीफा है। ये वजीफे का तरीका जो पहले मेरा वजीफा था उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है या चाहत है, तो जो सामने वाला है, जो तालिब है, उसको तो चाहत है लेकिन मतलूब जो है उसको नहीं चाहता या नहीं उसके इज्जत करता और ना ही उससे प्यार करता है। तो ये जो है खासकर ख्वातीन के लिए होता है। अगर शोहर का मसला हो तो वो ख्वातीन करे, अगर शोहर अगर बीवी का मसला हो तो फिर वो शोहर करे। तो इनके लिए भी बहुत जायज ये जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, इलम बहुत ही नायाब है। तो इसका तरीका पता क्या है, आपने क्या करना है कि आपने या तो अगर आप फैमिली में हो यानी कि घर में हो और उस घर में वो चीज पहुंचा सकते हो या मीठा कोई पहुंचा सकते हो, तो फिर आपने मिठाई के ऊपर या किसी मीठी चीज के ऊपर दम करके तो ये उसको खिलानी है। तो इंशाल्लाह उसके अंदर मोहब्बत की जो बुलंदी है वो बावकार हो जाएगी। और नंबर दो, उसके अंदर एक ऐसी आग सी लग जाएगी, जब तक वो आपसे मिलेगा नहीं, जब तक आपके पास नहीं आएगा, उसको सुकून नहीं आएगा। ये बहुत नया वजीफा है, यह आप लाजमन कीजिएगा। नंबर दो, इसका एक और तरीका है कि आपने ये जो आयत मुबारक स्क्रीन पर चल रही है सूरह यूसुफ की है, 29 और 30 आयतें हैं, ठीक है। 29 और 30 के दरमियान की आयत सूरह यूसुफ की नायाब आयतें हैं, ठीक है। तो ये आप लाजमन कीजिएगा, यूसुफ से लेके यूसुफ आरिजू यहां से लेके फिसलाल इन मुबीन तक आप पढ़ेंगे, ठीक है। और ये स्क्रीन से आप उतार लेंगे तो इंशाल्लाह इतना इतनी बेचैनी हो जाएगी उसको कि जब तक वो आपसे मिलेगा नहीं, कि जब तक वो आपसे मिलेगी नहीं, उसको सुकून नहीं आएगा। नंबर दो, अगर आप इसी सूरत की आयत को कागज में लपेट कर अपने बाजू पे बांध लो, ठीक है, अपने बाजू पे पानी ना लगने दो, अपने बाजू पे बांध लो और खुशबू थोड़ी सी लगा लो, तो आप यकीन करें जब तक मतलूब यानी कि तलब के पास ना पहुंच जाए, तलब करने वाले के पास ना पहुंच जाए, तब तक उसको सुकून नहीं आएगा। दिन रात को उसको ऐसी बेचैनी लगेगी और उसी की याद सताएगी। ये बहुत नया वजीफा है, लाजमन कीजिएगा। इसी वजीफे के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है जो आप लाइव नहीं शेयर कर सकते तो ई मेल पर आप बात कर सकते हैं, और अगर ई मेल पर भी बात नहीं कर सकते तो फिर कमेंट्स पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी जितनी भी मुश्किलें परेशानियां हैं जरूर हल की जाएंगी। इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों दुख तकलीफों को खत्म कर दे, अल्लाह पाक आपके तमाम